to get people here because you're already here now that you can see. Please come here and please put your hands together for them. They are. Please. Collect karo plastic, jo banega. So there you have it. आजकल सोशल मीडिया पे ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत वर्क करती हैं. दे आर थिंग्स वी गेट टू सी ऑल ओवर एंड टू सी बोथ ऑफ यू टुगेदर इज सच अ प्लेजर ऑन स्क्रीन. आई वांटेड टू आस्क यू दैट यू नो लास्ट ईयर यू बोथ सपोर्टेड द महाराष्ट्र प्लास्टिक बैन एंड दिस ईयर यू ऑल आर चैंपियनिंग दिस कॉज. सो वॉट मेक्स यू फील सो पैशनेटली अबाउट दिस? I think what makes us feel most passionately about it is the fact that it's only getting worse. It's just only getting worse. I mean, you know, when you talk about plastic and we talk about the extent of it, the numbers are shocking, horrifying, and I think it's by 2050 where we say that you'll have more, where we'll have more plastic in the sea than actual fish. So I mean, what will we be eating at that point of time? It's got to do with हम अगर सोचते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, ये हमारे बच्चों के लिए नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी पाएंगे एक वक्त के बाद अगर हम इसके बारे में कुछ करना शुरू नहीं करें तो. तो obviously उसका पहला कदम यही है कि we want that everybody, layman's, जो नॉर्मल लोग हैं, जो हर किस्म के लोग हैं, इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ लिटरेसी एंड इलिटरेसी, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू नो रिच पुअर एनी स्ट्राटा पर्टिकुलर इन सोसाइटी. आई थिंक वी ऑल हैव टू स्टार्ट डूइंग आवर लिटिल बिट फॉर इट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर हियर टू टॉक अबाउट इज सेग्रीगेटिंग योर प्लास्टिक. तो उसका पहला कदम यही है कि हमको डिसाइड करना है कि हमको बस एक एक्स्ट्रा कचरे का डब्बा रखना है घर पर और उसमें प्लास्टिक जाएगा और दूसरे डब्बे में हम बाकी कचरा डाल सकते हैं. तो ये एक बहुत छोटी चीज़ है और अगर हम ये कर सकें, अगर नॉट कर सकें, अगर हम ये करें तो मुझे लगता है कि ये जो हम बात करते हैं रिसाइकलेबल, द प्लास्टिक विल बी रिसाइकल्ड. हम अगर हमको एक कदम लेना है प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए ज़्यादा समय तक, तो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट. And the responsibility starts here and now with all of us standing here, sitting here, and of course the fact that you know that we're talking about recycling it, and we're talking about reusing it as well. I think it's very important. Ajay, do you want to add something to that? She's absolutely right. I mean, plastic. We can't live without plastic, as Sanjeev also explained. It's great, but we should be responsible because plastic is also damaging and harming the world. We हम जी नहीं पाएंगे, जी के तो प्लास्टिक का करेंगे क्या, हमारी लाइफ का करेंगे क्या. सो आई थिंक अगर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकल करना शुरू करें तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं उसके साथ. और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कि किस किस्म का प्लास्टिक यूज़ करना है. जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको नहीं यूज़ करना चाहिए और जितना कम आप चीज़ें यूज़ करो उतना बेटर है. और उसके बाद अगर उसे रिसाइकल किया जाए तो वी कैन कीप यूजिंग दिस फॉरएवर. एब्सोल्युटली. देयर सो मच टॉक नाउडेज़ ऑफ बीच क्लीनअप्स, इतने होते रहते हैं. हमने देखा है कि कुछ जगहों पर तो ऐसा परिवर्तन आया है, थिंग्स हैव चेंज्ड सो ड्रास्टिकली दैट यू नो ऑलिव रिडली टर्टल्स हैव कम बैक बिकॉज अ बीच हैज बीन क्लीन एंड नॉर्मल पीपल आर कमिंग आउट एंड डूइंग दिस. सो व्हेन यू लेंड योर सपोर्ट टू हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्लास्टिक बनेगा फैंटास्टिक. What is your thought behind it? Why do you choose to associate? I feel that if we come out, just not me and the media, if we speak about it, कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग सुनेंगे. अगर 10 पढ़ेंगे तो 2 बदलेंगे शायद. अगर 2 भी बदलते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. नहीं, और in a way I think that you know you all work as role models for people, and then when people see that. They want to embody everything you do. It is just an extension. आप एक अच्छी habit लोगों को दे रहे हैं. कहते हैं 40 दिन में एक habit बन जाती है. अगर आप वही चीज़ करते जाएं, सिर्फ 40 दिन में आप एक habit बना सकते हैं. It's just something which any of you can do. And you know the media should actually be doing this and going out and adding their voice to this a lot more. I think your association will only add to that. Kajol, did you have any other reason to associate with this? Or I think honestly this is big enough.
इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है? और जैसे मैंने कहा है, और मोर देन दैट आई थिंक दैट जैसे मैंने पहले भी कहा है, अगर हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए करते हैं या जो भी है, ये दुनिया हमें अपने बच्चों के लिए छोड़नी चाहिए, बेहतर छोड़नी चाहिए, लेकिन हमारे बच्चों से पहले तो हमें झेलनी पड़ेगी ये दुनिया. और अगर हम इसी यू नो रफ्तार पर चले जाएँ तो देन इट्स वी आर गोइंग टू बी फेसिंग अ फ्यूचर विच इज़ यू नो गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव थ्रू. पहले हम बात करते थे कि 100 साल बाद इफ़ यू टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, 100 साल बाद सी लेवल का ये हो जाएगा. अब जैसे कि कहा जाता है कि 20, फिर वो उसमें से 50 साल लोग कम कर देते हैं, अब कहते हैं 2050 में देयर बी मोर प्लास्टिक देन फिश. तो ये इफ़ यू कैरी ऑन लाइक दिस, ये 2030 हो जाएगा, फिर 2025 हो जाएगा. सो विच इज जस्ट राइट राउंड द कॉर्नर. So true. They are changing numbers every day because we're not stopping. Yeah, no, it's very important. Sanjeev, may I ask you, what is your vision when you look at this whole plastic story that we're talking about? What's your vision for this? You know, it is rightly said that we have not inherited our planet from our parents, but we have borrowed it from our children. So we hold it in custody for them. And it's so important that we leave it in a better shape, this planet, for our children. And like I said, that plastic, where the narrative has changed dramatically in the last couple of years, I believe we can convert this challenge into a great opportunity. And the pollution happens when we are not able to harvest the waste. And plastic banega fantastic at its core implies that we can segregate and recycle the waste, get value out of it, and that is when the economic cycle will get strengthened and it will become a process which could run on autopilot. But the core thing over there is changing behaviors. Yeah, and that is what we need to work, and that is the role that the media also has a big role to play in instilling in people that awakening, the desire that in their little actions they can make a big difference. I heard two amazing things that you said. One is the fact that you've got to change behavior, and little actions will go a really far way, which is fantastic. Kajal, the vision, you know, for this plastic story, what do you envision as success, or what do you envision as the future? I honestly, it is our vision more than that. It is more HUL's vision than ours. Yes, we are lending our voice to it and we are standing up for it. But yes, it is, you know, their vision, which actually started this campaign of Start a Little Good. Like Sanjeev said earlier, that last year they collected 23,000 tons of plastic, of segregated and non-segregated plastic, to make and to create things which are recyclable. So we will be doing things like for the fisher folk, we'll be giving them fishing nets made out of this plastic, which made out of recycled plastic, park benches, things that basically, what the whole point is, that we want to give people a visual medium to understand why they need to segregate the plastic. You have to understand why. अगर हम लोगों को पूछें कि पूछें कि ये कचरा अलग कर दो, क्यों? कचरा तो कचरा होता है, बट कचरा कचरा नहीं होता है. एंड दैट्स वॉट वी वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड. ये लोगों को समझाना है कि सिर्फ कचरा कचरा नहीं होता है, एक प्लास्टिक का कचरा होता है जो बहुत ही ख़राब है हमारी दुनिया के लिए, बिकॉज इट टेक्स 1000 ईयर्स फॉर प्लास्टिक टू डिसइंटीग्रेट इन टू आर सॉइल. डज नॉट disintegrate at all. Like we say, human bodies. जहाँ मट्टी में दबता है वो उतना एरिया बैरन हो जाता है. वहाँ पे कुछ उग नहीं सकता है उसके बाद. तो that's the kind of you know knowledge, the maybe trivia that we want to give to people and say that this, ये जो आप कर रहे हो, ये जो आप bottle यहाँ पे फेंक रहे हो, ये जो आप container इसमें फेंक रहे हो, regular कचरे में फेंक रहे हो, इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं. तो अगर ये एक छोटी सी चीज़ अगर आप अपने घर में अलग कर सको, और बहुत छोटी है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी सोच नहीं है उसके पीछे, और बहुत बड़ा कुछ अवार्ड विनिंग चीज़ नहीं है, बट दिस वन थिंग विल मेक अ डिफरेंस. एंड आई ट्रूली बिलीव, मुझे ये सचमुच लगता है कि अगर मैं ये करना शुरू करूँ और कोई मुझे देखे, या मेरा बेटा मुझे देखता है, या मेरे बच्चे के दोस्त जो घर पर आते हैं बोलते हैं, आंटी यू हैव टू डस्टबिन्स,
really? You put plastic here and you put regular kachra? So yeah, we put plastic here and we put regular kachra here. This is how you do it. So I'm teaching him. Wo jaake apni maa ko bol raha hai, you know, I went to Yug's house aur Yug ke ghar mein pata hai, ye karte hain. Why you don't do it? It's as simple as that. It's really as simple. Itni aasan cheez hai. Aap apne ghar mein karna shuru karo. Aur log aapko dekhte, aap, you will affect the change. We will not affect the change. You will affect the change. Do you want anything, add anything to that? No, that's right. Or also, I think the awareness is very important. Like you said, ke logo ne badalna shuru kiya hai. I was at the airport aur wahan pe teen bins the. तो पीपल वर मेकिंग एन एफर्ट टू जो भी कचरा था वो जाके बिन में डाले, ऐसे फेंक नहीं रहे थे. लेकिन आई रियलाइज वन थिंग कि उनको पता नहीं है कि कौन सा किस में डालना है. यू सी वी नीड टू टेल देम कि कौन सा बिन किस लिए और उसका क्या यूज़ होगा. जैसे कि प्लास्टिक का कैसे यूज़ होगा जो यहाँ हो रहा है, और जो दूसरा कचरा है वो कैसे अलग डालना है. तो लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन से बिन में कौन सा डालना है. सो ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू ट्रेन. एंड आई रियली बिलीव कि विजन बहुत ही छोटा होना चाहिए. विजन यही होना चाहिए कि आप अपने आप को बदल लीजिए. अगर हर आदमी ने अपने आप को बदल लिया, उसको किसी और को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर सब अपने आप ही बदल जाएंगे. आई थिंक बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. लोगों को जाके मत बदलिए, अपने आप को बदल लीजिए, बस इतना काम कीजिएगा. बहुत बड़ी बात आप कह गए हैं कि वो बदलाव अपने से आना चाहिए, स्वयं से आना चाहिए. ये ज़माना है वो एक ज़माना था जब एक न्यूज़ चैनल पर अगर हम लोग जाते थे तो एक मिनट तक या दो मिनट तक एक कहानी सुनाई जाती थी और फिर दूसरी चलती थी. आज एक मिनट में 100 न्यूज़ दिखाई जाती है. सो व्हाट्स योर वन लाइन मैसेज फॉर द पीपल टुडे? सजीव, शैल वी स्टार्ट, यू नो, और नहीं वही कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ उसको वो ना आज के वो साउंड बाइट के ज़माने में आपसे इज देयर अ वन लाइन दैट यू कैन गिव अस? यू नो, इट हैज़ टू स्टार्ट विद द इनिशिएटिव. One line has to be start a little good. Okay, that we have. So basically teen line hongi, kyunki unka start a little good hoga, mera hoga ke start a little good in your own homes by segregating your plastic. I'm just gonna add to this. Nahi, mera to wahi hai ki sirf apne aap ko badal lijiye, bahut zyada mehnat mat kijiye. चलिए वाह भाई, अच्छी हम लोग को अच्छी अच्छी लाइनें मिल गई है. एडवर्टाइजिंग की जरूरत हमारे पास तो थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ और नई एडवर्टाइजिंग साथ में आ जाएगी. आई वांट टू एंड दिस लिटिल कॉन्वर्सेशन बिफोर वी ओपन इट अप टू द मीडिया. सजीव, जस्ट आस्किंग यू, सेइंग व्हाट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर्स कमिटमेंट इन डीलिंग विद दिस इशू ऑफ प्लास्टिक? यू नो, लाइक आई सेड, वी हैव टेकन अ वेरी क्लियर प्लेज. And as part of the pledge, we are first reducing the quantum of plastic we use in our finished products. We are getting into better plastic which can be recycled. We are very clearly focusing on reuse, and we are also focusing on which cannot be recycled and reused, can we extract energy out of it? Yeah? And recovering. So it's all about the four R's that we focus on. And you know, we come from a, like last year, we were able to recycle or recover energy out of 23,000 tons of plastic. And as a business, we use about 60,000 tons of plastic. Even if we are able to do that, 60,000 tons of plastic, but if the country does not change, it will make no difference. And that is the reason we have started this initiative, where we are wanting the people of the country to be part of the journey, to instill in them the consciousness that they can make a difference. And we are working with many NGOs, with UN agencies, with Zintio, where we are all partnering together, because we believe we need the collective might of the civil society, corporations, governments, and the people at large, where we can convert this challenge into an opportunity. Fantastic. Let me tell you that it's not just beach cleaning operations. Ye Bangalore mein lakes ke paas ho raha hai, Yamuna Nadi ke paas ho raha hai. There are multiple places that these initiatives are going to be made, and they will continue. We have a few minutes for questions from you all, but I would only say that please restrict them to the topic at hand, which is the Plastic Banega Fantastic initiative. So I'll open it up to you all. If you all have a few questions, we'll quickly take that for the next few minutes, and then we will proceed to the beach.
strategies be different when you visit Bangalore and Delhi with Ajay and Kajol? You know, we are doing several experiments across the country. We are trying to educate the school children. We are working with the municipalities and several NGOs to start the process of segregating and collecting. And over the next 1 year, I think we will get a lot of insight into what works best. And once we get those insights, then we'll focus on scaling it up. A quick question, anybody else who may want to add a question? There's a question at the back there. Beach se. Aage aapke paas mic ji. Yeah, it's on. It's on. हाँ, थोड़ी वॉल्यूम दे दी। एंड काजोल जी, जैसा कि हमने एवी में भी देखा एंड हम मुंबई जैसे शहर में भी देखते हैं कि लोग अपनी गाड़ी में से, बसों में से, ट्रेनों में से ऐसे प्लास्टिक फेंकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि ये जो इनिशिएटिव है पीएम मोदी का, चाहे मैं स्वच्छ भारत अभियान की बात करूँ या प्लास्टिक रिसाइकिलिंग की बात करूँ, पिछले 5 सालों में कितना बदलाव आया है, कितना चेंज आया है, कितना लोगों के दिमाग में आया है कि हाँ इस तरह से करना चाहिए इस इनिशिएटिव से? आई थिंक अवेयरनेस तो क्रिएट हुई है, अब पहले से ज़्यादा सफाई है थोड़ी, लेकिन जितना आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आबादी है, जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए। और जो लोग कचरा फेंकते हैं ये उन्हीं के लिए है, जो लोग नहीं फेंकते उनके लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तो उनसे ही एक रिक्वेस्ट है, एक उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये करना बंद करें, क्योंकि उन वो सब अब धीरे धीरे जानने लगे हैं कि उससे क्या क्या तकलीफें आती हैं। काजल जी, सेम वही जवाब है। आई थिंक जो लोग कचरा फेंकते हैं उनकी गाड़ियों से, शायद सोच समझ के नहीं फेंकते हैं, शायद सोचते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है एक डस्टबिन तक पहुंचने के लिए। तो मैं उतना ही कहूंगी, गाड़ी में भी रखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी वही करते हैं, जब हमको कुछ फेंकना हो या जो भी है, हम भी अपनी गाड़ी में ही रखते हैं या हम भी हमारे हाथ में रखते हैं, बैग में रखते हैं, जब तक हम एक जगह पे पहुंच नहीं जाए जहां पे हम उसको अच्छी तरह से फेंक सकें। और तो जब अवेयरनेस क्रिएट होगी, जी बिल्कुल, जब अवेयरनेस क्रिएट होगी तो लोग बंद करेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं भी अपने यूथ में, जब मैं 16-17 साल का था, मैं भी निकलता था, तब हम भी ये रियलाइज़ नहीं करते थे, हम भी चीज़ें गाड़ी से बाहर फेंक देते थे, बट अब हम नहीं करते। तो धीरे धीरे लोगों को जब समझ में आएगी तो वो बंद करेंगे। सोच बदलने में वक्त लगता है और ये सोच हम साथ में बदल रहे हैं आज आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। वी विल नाउ बी प्रोसीडिंग टू द बीच एरिया, बट लेट मी टेल यू दैट वी ऑल्सो हैव विद अस द डैसलिंग मुंबई की रानी मलिष्का, द वॉइस दैट मुंबई वेक्स अप टू, रेड एफ एम 93.5 एफ एम पे, शी इज द वॉइस। एंड thank you Hindustan Unilever Limited, fantastic initiative connection by idhar idhar aayega, kaam chalta rahega, aage mat chal, ye kya hua tum log, aage mat chal, aage mat chal, dabba dikh nahi raha tere ko, kukar ka wo dekh piche bhi to branding hi wala hai, nahi sorry sorry, ye 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 aata hai lo kar do this। All right, let's proceed towards the beach. Come on. अरे काय? अरे मोबाइल है? अरे मोबाइल? मोबाइल? क्या फोटो है? भाई। आगे फोटो है? आगे 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 आगे। इस जगह दे दे। अरे गर्मी हो गई, नहीं मिला बोलता। एक मिनट, स्टॉप, एवरीबॉडी स्टॉप। आप लोग आपकी तरफ फिर वापस आ रहे हैं, आप लोग वहीं पर इंतजार करें, वहीं पर आ रहे हैं। बेजस स्पीकिंग ऑफ फ्रॉम आज खींचे वापस मत खींच प्लास्टिक फ्रॉम द बीच एरिया एंड कमिंग बैक टू योर साइट, आपकी तरफ वापस आने वाले हैं। बच्चे आप लोग सर वैसे साइट पर भी वेट करें, बाद में आ सकते हैं। खाली बस, खाली बस, खाली बस, खाली बस ना, उधर से क्या है, उधर। As you can see there are different bins. मैम आप
Thank you very much, ladies and gentlemen. The drive is going to continue. Subscribe my channel and press the bell icon.